ताज महोत्सव 2020 के चौथे दिन भी लोग ताज महोत्सव के रंग देखने पहुंचे। यहां पहुंचे लोग देश के कोने कोने की सभ्यता को तो देख ही रहे हैं, इसके साथ ही यहां पर पहुंचने वाले लोगों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। ताज महोत्सव में चौथे दिन भी लोगों की भीड़ देखने को मिली। हर दिन यहां दर्शकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। लोग ताज महोत्सव में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं ताज महोत्सव में, जहां पर अभी हम इस वक्त यहां पर आए हैं। यहां पर एक कपड़े की स्टॉल है, कपड़े की स्टॉल लगाई गई है। आइए बात करते हैं यहां के ऑनर से। सर, आपका नाम? मेरा नाम उबैदुल्ला है। उबैद जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको यहां ताज महोत्सव की स्टॉल लगाते हुए कितना टाइम है? मेरा तो यहां पे फर्स्ट टाइम है। किस तरह का रिस्पॉन्स है? ठीक है, एवरेज है, बहुत ज्यादा खास भी नहीं है, ठीक है हमारे हिसाब से। अब अभी नया लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आए यहाँ पे परचेजिंग करें, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे आइटम, नए नए सामान बना के ले आए, नई नई डिज़ाइन है। पूरा मेरा आइटम जितना भी है सारा हैंड वर्क है, पूरा हैंडमेड है, हाथ का बना हुआ काम है। लखनवी चिकनकारी बहुत मशहूर है, यहाँ पर आए देखें परचेज करें। ताज महोत्सव में वैसे तो हर साल लगता है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस मिलता है, यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो इस बार मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो यहाँ पर समर कलेक्शन जो चिकनकारी कुर्ती आई हुई है, आई लव दैट मोस्ट एंड आई बॉट इट फॉर माई सेल्फ। आइए बात करते हैं, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ताज महोत्सव में आकर उन्हें कैसा लग रहा है। शिव प्रताप सिंह, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ ताज महोत्सव में, एक्चुअली आई एम फ्रॉम लखनऊ, तो यहाँ की जो स्टॉल लगी हुई हैं सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। चीज़ें यहाँ पे स्टॉल्स काफ़ी अलग अलग जगह से आए हैं, तो अलग ही एक्सपीरियंस है यहाँ का, तो यहाँ पे आना चाहिए सारे लोगों को। सेम एज इट इज़ सर ने जो कहा, यहाँ पे मेरे को 13-14 ईयर्स हो गए हैं यहाँ पे रहते हुए, और ताज महोत्सव यहाँ पे फरवरी मंथ में लगता है, तो इसको देखने के लिए इसी सिटी से नहीं बल्कि और भी सिटी से बहुत लोग आते हैं देखने के, स्पेशली ताज महोत्सव देखना है आगरा जाके। बस बहुत अच्छा यहाँ पर रहता है। एक्चुअली मैं कॉलेज टाइम से आ रहा हूँ, और तो ऐसा लगता है हर बार कि हर साल चले, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, और एक तरह से एंजॉयमेंट हो जाता है फैमिली के साथ, और परचेजिंग हो जाती है, हर तरह का सामान मिलता है। घर पर आप यूज़ कर रहे हैं या अपने मतलब कलीग्स के लिए गिफ्ट वगैरह, मतलब हर चीज़ यहाँ अवेलेबल होती है, तो बहुत अच्छा है। खाने पीने के स्टॉल्स अच्छे हैं, तो पूरा एंजॉयमेंट हो जाता है, तो इसलिए मन करता है कि हम दोबारा जाएं यहाँ इस चीज़ को। तो ये थे कुछ लोग जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ, जिन्होंने बोला कि वो लखनऊ से आए थे और वो पहली बार आए हैं ताज महोत्सव में आकर, उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि और बाकी लोग भी यहाँ पर आए ताज महोत्सव को देखने के लिए। कैमरा पर्सन राहुल शान के साथ मानसी जैन, सी न्यूज़ आगरा।